प्रश्न पहला, बुद्धि के परिणामों के आधार पर सामान्य संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? उत्तर है टर्मन ने। प्रश्न दूसरा, बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? उत्तर है बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है, बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रश्न तीसरा, प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? उत्तर है जॉन डेवी। प्रश्न चौथा, प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? उत्तर है किलपैट्रिक और जॉन डेवी। प्रश्न पांचवा, प्रगतिशील शिक्षा किस पर अधिक बल देती है? उत्तर है प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है। प्रश्न छठवा, बालकों के नैतिक विकास के जनक कौन है? उत्तर है कोहलबर्ग। प्रश्न सातवा, नैतिकता का अर्थ क्या है? तो उत्तर है बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है, जैसे झूठ न बोलो, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, ये सब नैतिकता के उदाहरण है। प्रश्न आठवां, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? उत्तर है तीन चरणों में बांटा है। नैतिक विकास को कोहलबर्ग ने तीन चरणों में बांटा है। पहला चरण है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि 4 से 10 वर्ष तक होता है। दूसरा, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, ये जो होता है 10 से 13 वर्ष तक होता है। और तीसरा जो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो कि 13 से अधिक वर्ष के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नौवा समीपस्थो विकास का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है वाइगोत्स्की ने। प्रश्न दसवा, वाइगोत्स्की कहाँ के निवासी थे? उत्तर है वाइगोत्स्की जो थे वो रूस के निवासी थे। प्रश्न ग्यारहवा, अंधों की लिपि के जनक कौन है? उत्तर है लुई ब्रेल। प्रश्न ग्यारहवा, अंधों की लिपि के जनक कौन है? उत्तर है लुई ब्रेल। हमारा अगला क्वेश्चन बारहवा है, LKG व UKG पद्धति के जनक कौन है? उत्तर है फ्रोवेल। प्रश्न तेरहवा, नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? उत्तर है मारिया मांडेसरी। प्रश्न चौदह, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है थार्नडाइक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पंद्रह, अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है पावलोव ने। प्रश्न सोलह, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है स्किनर ने। प्रश्न सत्रह, जिन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक थे? उत्तर है संज्ञानात्मक। प्रश्न अठारहवा, जिन पियाजे किस देश के निवासी थे? उत्तर है स्विट्जरलैंड के। जिन पियाजे स्विट्जरलैंड देश के निवासी थे। प्रश्न उन्नीस, जिन पियाजे ने अपने प्रयोग किस किस पर किया? उत्तर है जिन पियाजे ने अपना प्रयोग अपनी दो पुत्री व एक पुत्र पर किए। प्रश्न बीसवा वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? उत्तर है जीन पियाजे। प्रश्न 21, वाइगोत्स्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? उत्तर है वाइगोत्स्की ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है 22वां, वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। हमारा 23वां क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? उत्तर है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया। पहला जीन पियाजे, दूसरा ब्रूनर, तीसरा वाइगोत्स्की। इन तीनों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। प्रश्न 24, वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? उत्तर है अधिगम के द्वारा। प्रश्न नंबर 25 है, बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? उत्तर है शैशवावस्था में, जो कि 0 से 5 वर्ष
तक होता है। प्रश्न 26, समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? उत्तर है माँ को। प्रश्न 27 है, बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न 28 है, बालक के गिरोह की अवस्था कौन सी कहलाती है? उत्तर है बाल्यावस्था। प्रश्न 29 है, बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है? उत्तर है किशोरावस्था में। प्रश्न 30, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? उत्तर है बंदुरा और वाल्टर ने। प्रश्न 31 है, जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? तो उत्तर है 4 अवस्थाएं। जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की 4 अवस्था बताई गई है। प्रश्न 32 है, बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? उत्तर है 2 से 7 वर्ष में। प्रश्न 33 है, जिन पियाजे के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा जाता है? उत्तर है संवेदी गत्यात्मक अवस्था। प्रश्न 34 है, जिन पियाजे के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहा गया है? उत्तर है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। प्रश्न 35 है, अवधान संबंधी विकार संबंधित है? उत्तर है ADHD। प्रश्न 36 है, भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या है? उत्तर है बुलिमिया। प्रश्न 37, अमेरिका में वंचित बालकों के लिए योजना चलाई गई? उत्तर है ब्राजिंग योजना। प्रश्न 38 है, गिलफोल्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए? उत्तर है 5। प्रश्न 39, किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है? उत्तर है स्टेनली हॉल ने। प्रश्न नंबर 40, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? उत्तर है कोहलबर्ग ने। प्रश्न 41, बाल विकास का उद्देश्य है? उत्तर है बालक का सर्वांगिक विकास। प्रश्न 42, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है मैकडूगल ने। प्रश्न 43 है, मन की उत्तेजित दशा क्रोध खुशी आदि को क्या कहते हैं? उत्तर है संवेग। प्रश्न 44, आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है अब्राहम मैस्लो ने। प्रश्न 45 है हमारा, बुद्धि का सामान्य व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है स्पीयरमैन ने। प्रश्न 46, सीखने के सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है थॉर्नडाइक ने। प्रश्न 47 है, मानव में स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है? उत्तर है अधिगम। मानव में स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। प्रश्न 48, खेल पद्धति का जनक किसे माना जाता है? इसका उत्तर है किल पैट्रिक। खेल पद्धति का जनक किल पैट्रिक को माना जाता है। हमारा 49वां क्वेश्चन है, हेयरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है? इसका जो जनक है वो आर्मस्ट्रांग है। हमारा लास्ट क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट पद्धति के जनक है? उत्तर है जॉन डेवी।